माना कि अंधेरा घना है, लेकिन उम्मीद का दिया जलाना कहाँ मना है। आज़ादी की इस प्लैटिनम जुबली पर आइए जाने कि हमारा प्यारा देश किन कठिनाइयों से गुजरकर आज इस मुकाम पर पहुंचा है और प्रगति पथ पर अग्रसर है। भारत का यह विकास पिछले 75 वर्षों में कृषि, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में नव जागरण के कारण संभव हुआ है। 1947 में ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्ति के बाद आधी शताब्दी से भी अधिक समय गुजर चुका है, परंतु हमने इतने वर्षों में क्या खोया या पाया। पिछले 70 सालों में भारत में गरीबी घटी है। आज़ादी के बाद हमने मूलभूत उद्योगों, कृषि, कपड़ा, यातायात, दूरसंचार व शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत उन्नति की। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा देश का हर दूसरा व्यक्ति कृषि या उससे संबंधित व्यवसाय से ही अपनी आजीविका चलाता है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय कृषि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। परंपरागत तरीकों के साथ आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हमने हमारे कृषि उत्पादन में बहुत उन्नति की है। आधुनिक तरीकों जैसे बूंद बूंद सिंचाई, ग्रीन हाउस एवं हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि में बूंद बूंद सिंचाई योजना का प्रयोग कर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया तथा कृषि पैदावार में वृद्धि की गई। मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए किसान जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। कृषक राष्ट्र की खाद्यान्न आपूर्ति के साथ साथ अन्य देशों में खाद्यान्न निर्यात कर रहे हैं, साथ ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जल प्रकृति के द्वारा मिला हुआ एक अनमोल तोहफा है। यह हम सभी को जीवन दान देता है। अगर इस धरती पर जल नहीं होता तो सजीव सृष्टि भी नहीं होती। इसलिए आजकल शहरों में भी सीमित जगह में लोग कम पानी की लागत में खेती की नई नई तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, याद चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें। विज्ञान और तकनीकी का युग है। विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र भारतीय आविष्कारों से भरा पड़ा है। आज के इस युग ने जीवन को इतना सरल और तेज बना दिया है कि हम किसी भी कोने में बैठकर दुनिया को देख सकते हैं। भारत ने दुनिया में जो अपना कीर्तिमान स्थापित किया है वो विज्ञान से ही संभव हुआ है। विज्ञान और तकनीकी का ही परिणाम है जिसने इसरो, DRDO, BARC, IIT आदि जैसे बड़े दिग्गजों की धरोहर तैयार की। जिस प्रकार एक मानव के लिए भोजन, वायु और पानी की आवश्यकता है, उसी प्रकार आज के युग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है। आज हम जिस ओर भी देखें, सब तरफ विज्ञान और तकनीकी ही है। आज दुनिया पर राज करने वाला कृत्रिम मस्तिष्क यानी कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले उद्योगों का विकास भी विज्ञान एवं तकनीकी से ही संभव हुआ है। विज्ञान एवं तकनीकी के बिना हम आधुनिक भारत की कल्पना नहीं कर सकते।
विज्ञान और मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है, हमें इसे विकृत नहीं करना चाहिए। विश्व गुरु रहा भारत प्राचीन काल से ही अपनी नालंदा एवं तक्षशिला जैसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के कारण विश्व में ज्ञान का प्रकाश पुंज आलोकित करता रहा है। गुरुकुल जैसी श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहर एवं विज्ञान को समावेशित कर शिक्षा पद्धति का स्वर्णिम इतिहास की भांति संजोए हुए है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व तरक्की की है। आज पारंपरिक शिक्षा एवं संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है। हमारी भारत के तीव्र औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के लिए यह अति आवश्यक था कि यहाँ से अच्छे इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स निकलें। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने देश में IIT, IIM की स्थापना की। विज्ञान एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और स्थानों की स्थापना की जा रही है। कोरोना के चलते जब सब थम सा गया, तब शिक्षा को एक नया स्वरूप देते हुए ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत हुई, जिससे बालकों की शिक्षा अविरत सुचारू रूप से चलती रही। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। जहां तक उच्च शिक्षा की बात है, 1950 के दशक में 4 लाख विद्यार्थी सिर्फ 500 कॉलेजों में पंजीकृत थे। यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ विद्यार्थी लगभग 37,000 कॉलेजेस में पंजीकृत हुए, जिससे हमारा सकल नामांकन अनुपात GER लगभग 26% हो गया है, जिसे भविष्य में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र की नींव का पत्थर होता है, जिसकी मजबूती पर राष्ट्र के नवनिर्माण एवं प्रगति का पूरा दायित्व होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाई है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता के पीछे उस राष्ट्र के उद्योग, व्यवसाय, कृषि एवं पर्यटन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए राष्ट्र को एकजुट रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नवीन विकल्पों जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आदि पर काम किया गया है। लघु उद्योग एवं स्वरोजगार को केंद्रित रखते हुए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा राष्ट्र आजादी के समय अर्थव्यवस्था के न्यूनतम स्तर पर था। पिछले 75 वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत स्तंभ की भांति खड़ा किया है। हमें आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इन 75 वर्षों में देश ने जो मुकाम हासिल किया है, उसे देश के कर्णधार न केवल बरकरार रखेंगे बल्कि और आगे लेकर जाएंगे। हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखेंगे। कठिनाइयां चाहे आए कितनी, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।